अरे रिकॉर्डिंग चालू है, पता ही नहीं यार, बताओ। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द, नहीं भाई तुम ही हो बैच, नहीं नहीं भैया आप ही हो बैच नाटे, तो हम क्या करें, हम मर जाए, नहीं हम क्या करें, एक टॉपिक में दो मेरे पास जरा से दो तीन बैच ज्यादा है, वरना यार वही ओरिजिन, लोग तो उसको ही ओरिजिन समझता है। खैर हमारा सामना उससे जरूर होने वाला है, आखिर हमारी लॉबी में हमारा ही डुप्लीकेट घूम रहा है। देखने वाली बात है दोस्तों, क्या हमको वो मिल पाएगा, नहीं मेरी लैंडिंग कैसी हुई रही है आज। सिर्फ बैच 99 नाम कॉपी करने से आप बैच 99 की शक्तियों को कॉपी नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं, आप बैच 99 बेशक नाम कॉपी कर सकते हैं, मगर अद्भुत सर्वशक्तिमान वाली शक्ति आप कॉपी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये देखो उतरते MP40, इसको बोलते हैं किस्मत। कठिन परिश्रम करने के लिए आपको कई सारे कठिन रास्तों में आपको आपकी परीक्षा देनी होगी। मैंने तो माइनस, पता कितना ज्यादा डिग्री हुआ, माइनस में तापमान रहता था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बंडी और डेफिनेटली बात एक चड्डी भी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बंडी के साथ वहां पर तपस्या कर दूंगा ऐसा बोलूंगा लोग भाई चड्डी भी नहीं पहनी, सिर्फ बंडी में बैठे हो तुम, नहीं यार चड्डी के साथ साथ बंडी भी थी। उतने ठंडे हिमालय में मेरे पास मात्र दो ही चीज थी, एक चड्डी एक बंडी। बैठा मैं तुरंत और घोर तपस्या करी, तब मेरे को वहाँ पे एडम की शक्तियों के बारे में पता चला, मैंने वहाँ की शक्तियों को भापा। काम करने का हम लोग शॉटगन उठा लेते हैं, क्योंकि यानी शॉटगन ना सर्वशक्तिमान है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी तक का सबसे बेस्ट स्किन, सबसे पॉजिटिव स्किन यही है, क्या ही हेडशॉट लगते हैं, रेंज भी अच्छी खासी है। तो अभी हम लोग बम बनाने जाएंगे सीधे आगे ये वाले मेन घर में, क्योंकि उस टाइम ना या फिर एक या फिर दो बंदे मैंने वहाँ पे देखे हुए थे स्कैनर में। ये देखो ये रहा बंदा, रुक जाओ भाई साहब, कभी जल्दी भाग रहे हैं, मेरे ख्याल से इधर को आ रहा था, इसने मेरे को देख लिया। अभी हम ऊपर से जाएंगे, तो वो बैठा है सीढ़ियों में, मेरे ख्याल से ये भी सोलो से स्क्वाड वाला बंदा लग रहा है। नीचे भाग गया यार, ये भी अच्छे से ईयरफोन लगा के खेल रहा है, मेरे को लग रहा है मेरी सारी मूवमेंट कैसे पता चल रही है इसके पहले। ओ चाचा किधर हो रहे तुम, अभी ऊपर आ रहा है घूम के, टायर से आएगा, जैसे मैं आया ना सेम उसी रास्ते से वो भी आया। रुको रुको, इसकी आवाज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ से आया लेफ्ट, एक नेट करते हैं। ए भाई नीचे आ गया तू तो, क्या ही जोश में आया चाचा, है कुछ बचा कुचा, ये देखो मिस्टर राज को हमने राज बना के रख दिया यहाँ पे, भाई तू मेरा अंडा खा ले। क्या नेट से मरा ना, वैसे ओपी वाला नेट करा यार मैंने एकदम, क्योंकि मुझे ना घुमा घुमा के मारने की कोशिश कर रहा था, जहाँ मैं जा रहा था उसके बाद वहीं पे वो आ जा रहा था, इसलिए मुझे पता था दोबारा मेरे पीछे जरूर आएगा, तो मैंने तुरंत उसी कमरे में नेट करा और भाई का वहाँ पे किस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज। तुरंत रेल बना दी, पीढ़ी बना दिया, अंडा बना दिया भाई का। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा आया हुआ था पीक में, ये भाई को सदमा लग गया शायद कि मैं कैसे हार गया। मम्मी की चार चप्पल खाने के बाद मुझे एक गेम खेलने को मिला था मोबाइल, उसमें भी तुमने हमें उतरते ही मार दिया, ओह माय गॉड अब मैं क्या करूं। अरे छोड़े रोते नहीं यार, दोबारा रिस्टार्ट करो, गलती तुम्हारी नहीं है, वो फिरफान ने तुमको लेजेंडरी लॉबी में भेज दिया। ए कौन गोली चलाया रे, पीठ पीछे गोली नहीं चलाने का। अरे 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 इतने सारे बंदे, उस टाइम तो सिर्फ एक ही बंदा आया होता है स्कैनर में, ये क्या स्कैम है भाई, तुम सबके सब कहां पे छुपे हो जाते हो। एक तो गया तो मैं पूरा खा देता। अरे वाह एक और, क्या बात है, क्या डैमेज पड़ा ना इनको, अपनी यामा बुबू सब याद आ गए होंगे। चलो बेटा दोबारा रिस्टार्ट कर लो गेम, तुम लोग क्या करोगे अकेला अकेले खेल के, क्या करेगा, आराम से जाओ रिस्टार्ट करो। तुम लोगों को तो चैप्टर क्लोज हो गया, बट अभी हमारा चैप्टर शुरू है मेरे भाई, अभी देखते रहो नीचे। अभी तो हमको एक्समेड मिल गया, उड़न ठटोला हेडशॉट पड़ेंगे दना दन। अरे ये कहां से जा रहा है, चाचा किधर भाग रहे हो तू, पीछे देखो पीछे। ओके एक भी हेडशॉट नहीं पड़ा, पर कोई बात नहीं यहां पे तो ओके। नीचे ना मेरे ख्याल से वो अलग टीम है, ये वाली अलग टीम है लेफ्ट साइड वाली। चलो बस ये ना हमको जैसे ही दिखेगा उतने में इसका किस्सा खत्म, जोकर भाई साहब है, आ जाओ भैया। अरे देर में देखा ना, प्रकाश की दुनिया में हमने अंधेर कर दिया, प्रकाश नाम था बंदे का, पर फ्री फायर वाले मैच में हमने इसका अंधेरी अंधेर कर दिया जिंदगी में। जैसे ही दिखा शॉटगन से किस्सा खत्म। अभी राइट साइड में हमने एक टीम देखी थी, वो पता नहीं कहाँ चले गई है। वैसे अचानक से दो तीन स्क्वाड आए कहाँ से है? देखा पहले स्कैनर भी हमारे एक ही बंदा दिखा रहा था, सोलो स्क्वाड वाला बंदा, उसको तो हमने मार दिया था, उसके बाद मुझे लगा कोई है ही नहीं। उतने में पता नहीं पीछे से भी स्क्वाड आ गई, आगे से भी दो टीम अलग से लड़ रही है, इतने सारे बंदे पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गए। चलो कोई नहीं, हमने तो यार चार बंदे निपटा दिया, हम लोग सीधे चलते हैं पोचिनॉक में, क्योंकि मुझे लगता नहीं आप बाकी जितने भी बंदे बचे हुए थे वो सब भाग गए होंगे। चलो भाई बहुत कोशिश करी ढूंढने के लास्ट वाले बंदे को, पर यार दिखाई नहीं, रफू चक्कर हो गया। अरे 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 यहीं पे तो है ये बंदा, जैसे याद करे वैसे ही हाजिर, और वैसे ही बाबा भाई यार तेरे को छुपे रहना चाहिए था, खाली आया तू। अभी ना गाइस इनका स्क्वाड पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारे हो गए 5 किल्स। फटाफट इसके बाद चल के देख लेते हैं इसके पास क्या क्या लूट पानी पड़ा हुआ है, बस्ते में भर लेते हैं और निकलते हैं सीधे पोचिनॉक में। चलो ज्यादा कुछ तो था नहीं, अभी तो वैसे बंदे भी कोई, अरे यहाँ पे भी एक और बंदा है यार, मैं जैसे कहने वाला था बंदे ज्यादा मिलेगा अभी लगता है मिलेंगे नहीं, पर उतने में आगे एक बंदा मुझे दिख गया। ओके पूरी टीम ही है अभी अभी, इन्होंने कोई फाइट फिनिश करी हुई है, उसको तो मैं नॉक करते, पर अभी तो वो मरा नहीं यार, ऑटो रेंज भी हो गया। और एक बंदा ना मैंने यहाँ पे देखा था एलसीप वाले घर पे, तो अभी काम करते हैं पहले एलसीप वाले को निपटा लेते हैं। यहाँ पे ये बंदा, ओ
भाई लेट गया यार वो कता ही चतुर हो रहा है, तुरंत लेट गया वो बंदा। अभी तो वैसे ड्रोन भी आ गया तो अभी कोई टेंशन नहीं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है। नेट वगैरह कर लेते हैं, नेट भी तो अपने पास अंधाधुंध पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेट तो नीचे आ गया भाई, अब माना हम नेट ज्यादा कहीं भी गिर हुआ गया, लेकिन वो नेट से मरा क्यों नहीं। अरे मेरे ख्याल से गाइस वो लोग नीचे कूद गए यार। ये रहा चाचा, देख लिया हमने, इतने पतले पेड़ में छिप रहा है, उसके वाइट वाइट जूते चमक गए वहाँ पे। कमाल है ना, कमाल है। आ गए हम, उसकी हालत टाइट है। ओ भाई उसका दोस्त भी पूरे एक्शन में आ गया यहाँ पे। चलो उसको भी फाइनल उड़न टोटल हेडशॉट पड़ा। अच्छा मैंने जिसको नॉक करा था ना वो बच गया, देखो ये हीरो बन। मेरे ख्याल से नेट करने की सोचता है ये। आ जा कर ले तो नेट कर ले भैया, ट्रेन नोट तो पहुँचेगा भी नहीं यहाँ पे। और उसकी हालत खराब है, सबसे ज्यादा हालत खराब है। ये तो लेफ्ट में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आ जा भाई, सबसे पहले तुझे मारूंगा, ये सबसे तेज बंदे ना, इनको सबसे पहले मारा करो, इससे मैं पीछे से घूमते जाऊंगा मारूंगा। सबसे पहले तू ही मरेगा दोस्त, आराम से मेडिकेट मार रहा है। मतलब पीछे देखो, फिर उनका एक बंदा तो गया, दूसरा भी गया हेडशॉट वाला। ओके ये इसका तीसरा बंदा जो उस टाइम बहुत ज़्यादा डर रहा था। आ जाओ मैडम, आ जाओ। चलो इसके भी सीधे खोपड़ा ही खोला हमने। एक आखिरी बंदा बचा जिसको हमने स्टार्टिंग में नॉक करा था। कहाँ गया वो, रिवाइव हो गया क्या? नहीं यार, तीन तो हमने डाउन। ये रहा। अरे 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 क्या डैमेज दे रहा भाई। अजय केड़िया है क्या, ज्यादा जोश आ रहा है क्या? इनका भी स्क्वाड वाइप हो गया। अब तुरंत हम लोग अंदर चलते वहाँ पे हील करेंगे। कई बार कह रहे थे ना, अभी हमारे सिर्फ 80 HP बची हुई है, हम आराम से वहाँ पे हील करेंगे, तब तक कोई दूसरा स्क्वाड आ जाता है। एक तो हम हैवी सोलो स्क्वाड में, दूसरे को फाइट देख के लोग आ जाते हैं भाग भाग के। अरे भाई वहाँ पे गिलिया चल रही है, चलो। इसलिए अपन ना पहले एक कदम आगे चलेंगे, आराम से हील करेंगे लेट के, ताकि हमें कोई देख ना पाए। और अभी भी आप पूरे 16 बंदे बचे हैं, तो पूछनों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, पूछने वाले बंदे थे। हम लोग सीधे चलते गए इस क्लॉक टावर वाली रोड में। बंदे पता नहीं कहाँ मरे जा रहे हैं, सिर्फ 13 बंदे बचे हैं। देखो अभी हम लोग क्लॉक टावर पहुंचे, और यहाँ पे कोई कार वाला आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक रिवॉल्वर चाहिए ताकि उतर जाए। ओके बाय बाय, टाटा गुड बाय। और यहाँ पे धीरज एफ। ओके गाइस ये वही बंदा था जो तब से इतने ज्यादा किल करे जा रहा था। मेरे ख्याल से ये भी सोलो स्क्वाड में आया हुआ था। इस वाले लॉबी में बस दो लोगों के नाम रिपीट हो रहे थे, एक था बैच 99 और एक था धीरज एफ। और इसके साथ हमारे हो गए यहाँ पे 10 किल। उसके बाद देखो डबल एडिप्ले में यार, डबल स्नैपर लेके चल रहा था। अच्छा कि मैंने इसको पहले ही डैमेज किया था, अगर ये मेरे को पहले डैमेज कर देता ना तो दो बजे धड़ धड़ करके मारता, अपना किस्सा वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता, हम तुरंत फ्लैट हो जाते यार वहाँ पे। पर कोई बात नहीं, हमने भी सीधे उसको वन शॉट दिया। और अब इसकी गाड़ी हम चोरी करके सीधे जाएंगे क्लॉक टावर में। डबल स्नैपर अब बारी गाइस हमारी चलाने की, डबल एडिप्ले से कहर मचा देंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया दोस्तों डबल एडिक्शन से कहर मचाने का। वैसे काफी लंबे समय बाद यार मैं डबल स्नैपर चला रहा हूँ, होता है। वैसे धीरज एफएम ने तभी मैं सोची थी तबाही कैसे मचाई हुई, पता नाम तो रिपीट हो रहा था, पर मैं ये नहीं देख रहा था कि ये कौन से वेपन से मार रहा है। इसने डबल एडिक्शन से कहर मचाया हुआ था, इसने जैसे मेरे को देखा ये उतरा, उतने में हमने इसको इसकी हालत टैट कर दिया। ये लेफ्ट में बंदा है क्या, ये पीटी थी पता नहीं, दिखा भी नहीं, ये भी बंदा है यार। और उसके बाद मेरे ख्याल से एक स्नाइपर है, साइलेंसर, उसके बाद साइलेंसर वाली स्नाइपर है। अरे मेरी गाड़ी ना टूट जाए, अगर मैं यहाँ पे पैदल हो गया ना ये पूरी स्क्वाड रेस्ट कर देगी अपने पे। इसलिए मैं पर थोड़ा घूम के जाऊँगा, उसके बाद देखेंगे पहले ये बंदे कितने हैं, थोड़े दूर से उनको मारेंगे, क्योंकि हमारे पास जवाब स्नैपर है यार, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। ओके गाइस वो लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो भाई ये तो गया एक बंदा, अभी इसका टीममेट भी आएगा शायद, या हो सकते पूरे तीन बंदे और आ जाए। अभी तो फिलहाल एक ही दिख रहा है। ओके एक और लड़की आई, अरे भाई रोनाल्डो इसके पास है स्नाइपर है, सीधे 150 का डैमेज दिया इसने मेरे को। क्या बात है गाइस, यहाँ पे स्नाइपर वैसे स्नाइपर हुआ और यार उसका निशाना चूक गया और मेरा एकदम सटीक निशाना पड़ा, और भाई का चैप्टर क्लोज। उसका दोस्त भी कह रहा होगा भाई अब दिखा और दिखा दादागिरी, तूने दूसरे वेपन से क्यों नहीं मारा, स्नाइपर से क्यों मार रहा है। चलो सही यार, अभी हमारे पास बहुत सारी एमओ हो जाएगी, भर भर के एमओ होगी स्नाइपर की। इसके बाद तो एक शॉटगन और ड्रैगन एक ही थी। ओके हमारा कुछ काम करनी है, बस ग्लू बॉल और ग्रेनेड उठा लेते हैं। मेन हमारा काम का है स्नाइपर का एमओ, वो हमने उठा ही लिया है। और अभी गाइस देखो लॉबी में हमारे पूरे 12 किल हो गए, अभी भी पूरे 6 बंदे अलाइव है, पता नहीं बंदे मर कहाँ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जितने ये बंदे बचे ना इनको भी हम ही लोग मारेंगे। अभी हमारे पास है डबल स्नाइपर और उसके साथ ही साथ हमारे पास है एक लैम्बोर्गिनी कार, तो हमें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी हम तुरंत निकलते अपने कार की और देखते हैं कि कहाँ पे हमको बंदे मिलेंगे। दोस्तों चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हमारे जल्दी से 4 मिलियन का टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। बिकॉज सब्सक्राइब बटन इज टोटली फ्री, आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब बटन, तो यार उसको दबा लो। और यहाँ पे ना किसी ने पैराशूट मंगवा दिया है, पैराशूट बोले तो सुमोन ड्रॉप, असल में इसने सुमोन ड्रॉप नहीं मंगाया, इसने अपनी मौत बुला दिया है, क्योंकि हमारी नजर से पड़ गई है और यहीं कहीं पे मेरे ख्याल से उसका ड्रॉप है। और ऊपर से कोई और मुझे मारने लग गया, पता नहीं यार साइलेंसर वाली कोई गन थी, पता भी नहीं चला। ओके वहाँ पे वो रहा बंदा, डबल स्नैपर का फटके पड़ेंगे बेटा अब। चलो वो तो गया, मुझे कोई और भी मार रहा है साइड से, पर इसको मैं पूरा खाना चाहता हूँ, रिवाइव ना हो जाए क्योंकि बहुत दूर है यार वो। अरे ये मर क्यों नहीं रहा है,
कहाँ कहाँ चचा कहाँ भाग रहे हो तुम इतनी जल्दी रिवाइव? दूसरा वाला पता नहीं भरा ही नहीं, ये पता नहीं मेरी गाड़ी फोड़े जा रहा है। भाई मेरी गाड़ी को मत मार। भाई क्या डैमेज दे रहे हैं ये लोग। एक बंदा पता नहीं गाइस वो साइलेंसर वाला मेरे ख्याल से VSS चला रहा है, उसको पता भी नहीं चला कहाँ से मार रहा है वो। तीन बंदे तो मैंने यहाँ पर डाउन कर दिए और सबके सब रिवाइव वाले की रेस में जा रहे थे। भाई मैं रिवाइव करूँगा मैं रिवाइव करूँगा, लेकिन मैंने तुरंत सभी का वहाँ पे अंडा बना दिया चढ़ाई में। ये पता नहीं कहाँ से मार रहा है, ये देखो कंटिन्यूस मारे जा रहा है। ओके यहाँ पे ये रहा वो बंदा, एकदम ऊपर है टावर के पीछे छुपा हुआ है। अभी तो हमने पे हील कर लिया, दिखा लिया हेड। अरे 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 भाई ओ गजब यार, ये किलर तो वाकई में किलर निकला। क्या डैमेज दिया इसने मेरे को। चलो गाइस अभी हमारे यहाँ पे हो गए पूरे 16 किल्स। एक स्क्वाड में अचानक से मिली सुमन ड्रॉप वाली, और देखो ड्रॉप तो इनका यहीं पे है यार। मेरे ख्याल से ये पहले लूट के भाग गए होंगे, पर क्या फायदा यार, लास्ट में हमने तो उनको मार ही दिया। डबल स्नाइपर का पूरा कहर मचा रखा है। एक और बंदा, चलो यार इसने मेरी गाड़ी भी फोड़ दी, पर कोई बात नहीं, ये भी मेरे ख्याल से आखिरी बंदा बचा था। अब है सीधे 1v1 हमारे हो गए गाइस टोटल यहाँ पे 17 किल्स, और अभी भी पूरा एक बंदा बचा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले ऊपर चलकर देख लेते हैं कि उनको मैं क्या क्या माल पानी पड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी कौन सी ज्यादा फेवरेट स्नाइपर है, मतलब आपको ज्यादा पसंद कौन सी स्नाइपर है, आपकी AWM ज्यादा अच्छी लगती है या फिर M82B, जैसे इस वक्त मैंने दोनों का कॉम्बो लिया हुआ। पहले मेरे पास डबल स्नाइपर थी यानी कि डबल AWM, अभी मेरे पास एक स्नाइपर और एक M82B है। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहती है। देखो एंड जोन में ना ग्लोबल के आरपार अगर आपको मानना है तो M82B काम आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक M82B रख लिया और एक ज्यादा डैमेज के लिए मैंने रखी हुई AWM। यहाँ पे कितने लोग, उन लोगों को भी स्नाइपर थी, इनके एमओ दोगे गाइस, कितनी सारी एमओ मेरे पास हो गई यार। अभी मैंने दोनों M82B रख लिया क्योंकि ना अभी ग्लोबल के आर पार मुझे मारने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लास्ट वाले बंदे का भरोसा नहीं है कहाँ पे छुपे रहे। तो अपन लोग रिस्क नहीं लेंगे, अपन तो बुआ जरूर करेंगे। 17 किल्स हो गए और इसको भी हम मार देंगे तो हमारे सीधे हो जाएंगे 18 किल्स। वैसे अभी एक बात तो मैं पूरी गारंटी के साथ कर सकता हूँ ना कि सामने वाले की हालत खराब हो चुकी होगी, अभी इतना ज्यादा डरा हो गया वो, क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ ना। अभी तक तो यार सामना भी हो ही ज्यादा, और वैसे उसको डरना भी चाहिए। वैसे ना अभी मेरे पास एक M500 भी ले लिया है, अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं उसको वन शॉट मारूंगा। तो चलो यार देखते हैं कि कहाँ पे हमको मिलता है। अभी तो सर्किल बहुत बड़ा है, अब जाके यहाँ पे यार सर्किल छोटा हुआ है। मेरे को लगता है जो ड्रॉप वाले एरिया में हमको मिलेगा यहाँ पे ड्रॉप, ये देखो गाइस मैंने क्या बोला था, यहीं पे ये पक्का होगा। और इसने मेरे ख्याल से अभी मेरे को देख लिया, और बड़ा कमजोर दिल का मुझे ये लग रहा है यार। अभी मैं 9 ग्रेनेड से तो इनका इस्तेमाल करता हूँ, पूरी बारिश कर दूंगा। ओए चाचा ए भाई ए रुकना, कहाँ भागता है यार, उसैन बोल्ट बन रहा है, इतने पीछे भाग रहा है। चलो भाई एक शॉट मारता हूँ, अब हम इसको मार गया वन शॉट। अरे अरे एक ही चला रहा है, पर कोई बात नहीं, हेड तो हमारा बढ़ेगा। और इसी के साथ आज हमारी भी हो गई एक ओपी वाली बुआ 18 किल्स के साथ। आई होप अपने भी आज का गेम प्ले एंजॉय करेगा। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे यार पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।